जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मैं आज आपको दो वीडियो दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आप खुद बोलेंगे कि हिंदुस्तान में आखिर ये क्या चल रहा है। एक वीडियो है राजस्थान के जोधपुर से और दूसरा वीडियो है झारखंड के चक्रधरपुर से। सबसे पहले मैं आपको चक्रधरपुर के बारे में बताता हूँ, झारखंड में किस तरह से उमेश नाम से एक मशहूर हिंदू परिषद के अध्यक्ष जो अपने बंद कमरे में ये कहते हैं कि मुसलमानों को गुजरात याद दिलाना चाहिए, गुजरात में किस तरह से तीन दिन तक मुसलमानों को जलाया गया, मारा गया और उसके साथ किस तरह से रहा गया और किस तरह से उसको बर्बाद किया गया। दोस्तों पूरे वीडियो में आपको दिखाऊंगा, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो लाठी है, नियुक्त है, बाधा है, यह तो हमारा मनोबल बनाने के लिए, हम लड़ सकते हैं और हम जीत सकते हैं, यह भाव हमारे मन में निर्माण हो इसके लिए है। हमें कोई आड़ी से बड़ी चीज नहीं, बचपन से सुनते आते हैं मुसलमान के पास इतना अस्त्र है, इतना अस्त्र है, इतना अस्त्र है, हमारे पास कुछ नहीं है। तबीयत से केवल तीन दिन मारा है गुजरात में, पूरी दुनिया में रो रहे हैं बेचारे। सब अस्त्र रखा रह गया, इन सब आरडीएक्स रखा रह गया, सब पंप रखा रह गया, सब बारूद रखा रह गया, प्लास्टिक से पेट्रोल भी देखते थे आप, माचिस मार देते थे, इसे अविदा हो गया सबका। तो हिंदू जब मारना शुरू करेगा तो तीन दिन तबियत से मारेगा, पूरा देश ठीक हो जाएगा, इसलिए इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन हम मार सकते हैं और हम मार ही सकते हैं, यह भाव सबके मन में निर्माण करने के। और नौजवानों की 20-25 की टोली मोहल्ले मोहल्ले में हनुमान चालीसा का अगर पाठ करना शुरू करे बजरंग दल के द्वारा, तो क्या होगा, भूत पिशाच निकट में। ये भूत पिशाच कौन है? यही धर्मांतरण करने वाले, यही गाय काटने वाले, यही हिंदू कन्या भगाने वाले जो हमारे गांव में आते हैं। ये हनुमान चालीसा का पाठ अगर हमने गांव गांव में आरंभ कर दिया तो आने की हिम्मत पड़ेगी। तो जो कहता है कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा तो भाई हो सकता है? जो कहता है मैं गाय को माता नहीं मानता हूं भाई हो सकता है? नहीं, नहीं। जो राम की जगह बाबर को मानता हूं भाई हो सकता है? नहीं, नहीं। नहीं। इसलिए वो भारत के नागरिक तो हैं लेकिन भारत माता के पुत्र नहीं। आतंकवादी मुसलमानों का इंजीनियर भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आतंकवादी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आतंकवादी है। तो इस्लाम के लिए तस्कर से लेकर, अभिनेता से लेकर, प्रोफेसर से लेकर, वैज्ञानिक से लेकर, इंजीनियर से लेकर सबका उपयोग। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से उमेश नाम से ये मशहूर एक नेता हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष है झारखंड से, किस तरह से बात करते हैं एक बंद कमरे में अपने नारंगी लोगों को, वो समझाते हैं किस तरह से कि मुसलमानों को किस तरह से फिर दोबारा गुजरात याद दिलाना चाहिए या फिर किस तरह से दोबारा याद दिलाना होगा। दोस्तों आप सोच सकते हैं, एक तरफ केरल में आरएसएस को बैन किया जाता है, ऐसे नफरती संगठन को बैन किया जाता है, और दूसरी तरफ राजस्थान से भी और झारखंड से भी इस तरह से नफरत वाली जो संगठन है पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और तिलमिला जाता है। दोस्तों दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा राजस्थान के जोधपुर से। राजस्थान के जोधपुर में न ही कोई त्यौहार है, न ही कोई ऐसा कोई फेस्टिवल है, न ही कोई ऐसा प्रोग्राम है, फिर क्या ऐसे वजह है जिसके वजह से आरएसएस और बजरंग दल वाले कई सैकड़ों लड़कों को लड़कियों को ट्रेनिंग दिया जाता है बंदूक चलाने का, हथियार चलाने का, और सड़कों पर लेकर सड़कों पर इन लोगों को निकाल करके नारेबाजी किया जाता है और ढोल ताशे बजाया जाता है। दोस्तों पूरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले ये बात सोचिए कि ना ही कोई त्यौहार है, ना ही कोई ऐसा फेस्टिवल है जिसके वजह से ये संगठन तलवार लेके बंदूक लेके निकले और रोडों पे इस तरह का हंगामा करे, रोडों पे इस तरह का बात बोले। केरल में आरएसएस बैन होने के बाद ये लोग तिलमिला गए हैं और रोडों पे हथियार लेकर के बंदूक लेकर के निकल गए हैं। पता नहीं क्या संदेश देना चाहते हैं, किसके लिए ये लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये संगठन ना आज़ादी के समय एक्टिव था बल्कि ये तो सावरकर के औलाद हैं, ये लोग तो माफ़ी मांगने के लिए चले गए थे अंग्रेज़ों से। लेकिन आज कौन सी ऐसी नौबत आ गई है कि ये लोग हथियार निकल के निकले हैं? आखिर किस से इन लोगों का जंग है? क्या इन लोगों का जंग किसी दूसरे देश से है
या फिर देश के मुसलमानों से है, ये बात आपको बताना है। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। मैं हूँ फैजान, आप देख रहे हैं सच के साथ।